फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनपीटीईएल के सॉफ्ट स्किल्स के असाइनमेंट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 16/8/2023 जो है वो दी गई है, और आपकी जो टाइम सबमिशन है वो 11:59 तक आप 16/8/2023 तक जो वो सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वन जो है, जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ कि फ्रॉम क्वेश्चन वन प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए हुए हैं उसको जो वो सिलेक्शन करना है। उसी तरीके से सेकंड नंबर पर बता रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 के बीच में आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन जो वो दिए हैं, जिसके जो है 4 जो है वो उत्तर हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस 4 ऑप्शंस में से किसी एक का जो है वो चुनाव करना होगा। और तीसरे में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 से 13 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके भी 4 ऑप्शंस हैं, और उसमें से 2 सूटेबल ऑप्शंस जो होगा उसका जो वो चूज करना होगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में जब एक जापानी वुमेन स्माइल करती है, वो मुस्कुराती है, तो वह अपने हाथों को या अपने पाम, जिसको हम लोग तलहटी कहते हैं, वो अपने माउथ पे मुंह पे रखती है, और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं डैश टू स्माइल, खाली जगह भरना है, टू स्माइल इन पब्लिक। इसके 2 ऑप्शन दिए। अगर हम मैं पूरे प्रश्न को पढ़ूं तो वेन ए जापानी वुमेन स्माइल्स शी पुट हर हैंड्स ऑन हर पाम ऑन द माउथ बिकॉज इट इज कंसिडर्ड डैश टू स्माइल इन पब्लिक। तो डैश वर्ड जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम लिखेंगे इथिकल टू स्माइल इन पब्लिक, ये हमारा राइट आंसर होगा, इथिकल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हैप्टिक्स इज अ डैश वर्ड विच मीन्स आई टच। तो हैप्टिक वर्ड जो है वो बेसिकली हमारा एक ग्रीक वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है आई टच, जो है वर्ड जो है वो हम लोग इसके लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर। फिर उसके बाद में कहता है कि टू लिसन प्रॉपरली, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू लिसन प्रॉपरली द फैक्टर ऑफ डैश शुड बी अवॉइडेड। टू लिसन प्रॉपरली अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना होगा प्रॉपर तरीके से। मैंने कहने का मतलब कि लिसन प्रॉपरली द फैक्टर्स ऑफ डैश शुड बी अवॉइडेड। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक वर्ड है जो इसका राइट आंसर है इस टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उसका राइट वर्ड है कॉग्निटिव डिसोनेंस, इस फिल इन द ब्लैंक्स में यह भरा जाएगा। टू लिसन प्रॉपरली द फैक्टर ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस शुड बी अवॉइडेड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मेटा कम्युनिकेशन इज एंड डैश मीनिंग बाई चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, टन ऑफ वॉइस, फंबलिंग, साइलेंस और ओमिशन। इसमें हमारा दो दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया हुआ है, या फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा दैट इज योर इम्प्लाइड होगा, तो इसमें हम इम्प्लाइड वाले में जो है वो टिक करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लाइंग इज डन विथ वर्ड्स एंड ऑल्सो विथ साइलेंस, दिस स्टेटमेंट इज गिवेन बाई विच पर्सन। तो इसके जो राइट आंसर है वो है हमारा एंड्रिने रिच जो है, इसके जो है वो राइट आंसर है एंड्रिने रिच का, हम लोग जो है वो इसमें टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन रिटन कम्युनिकेशन साइलेंस मे बी शोन थ्रू। हम रिटन कम्युनिकेशन में साइलेंस को जो हम लोग जो है वो दिखा सकते हैं किस चीज से, एक्सक्लेमेशन मार्क से, प्रोसोडी से, पंक्चुएशन से, सेमी कॉलन से। ये सारे जो आपके जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स की बात करें हम, प्रोसोडी की बात करें, पंक्चुएशन की बात करें, सेमी कॉलन की बात करें, तो इन सब का एक शाब्दिक अर्थ होता है। ऐसे इसका सटीक जवाब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसके लिए हम पंक्चुएशन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को फिर आगे चल के मैं समय रहते इसके जो है सही जवाब को भी जो है कोशिश करूंगा। मैंने लगभग लगभग उसके नियर बाई आंसर को ढूंढने की कोशिश किया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर एग्जैक्ट 100% जो आंसर है वो मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगा ना। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर प्रॉक्सिमिक्स स्पेस जोन्स को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस में। तो
और इसमें जो डिस्टेंस होता है सोशल कम्युनिकेशंस के अंदर में, जैसे हमारे पास में ऑप्शंस में दिए हुए 4 फीट से 12 फीट, 9 फीट से 18 फीट, 18 इंच से लेके 4 फीट, 15 से लेके जो है 20 फीट, ये अलग अलग जो हमारे पास में जोन बटे हुए हैं प्रॉक्सिमिक्स के अंदर में, हमारे जोन बटे हुए हैं कि एक महिला जो है एक पुरुष जो है या कितने डिस्टेंस बना के रखेगा, या सोशल जोन क्या होगा, पब्लिक जोन क्या होगा, या स्पेस जोन्स क्या होगा, ये अलग अलग जोन्स हमें बना दिए। इस स्पेस जोन्स के लिए जहाँ पे हम टर्म डिस्टेंस की बात करें तो सोशल कम्युनिकेशन में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 से लेकर 12 फीट के बीच में। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 4 से 12 फीट के बाद। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच एमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, ऑल हियरिंग इज लिसनिंग, ऑल लिसनिंग इज नॉट हियरिंग, ऑल हियरिंग इज नॉट लिसनिंग एंड लिसनिंग डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ये 4 ऑप्शंस में से आपके पास में जो ऑल लिसनिंग इज नॉट हियरिंग, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइलेंस एंड पॉज। साइलेंस और पॉज के बीच में क्या आपका जो है वो डिफरेंसेस है, तो इसके अंदर में है कि पॉज जो है वो हमें अलाउ करता है, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉज लॉन्गर, साइलेंस शॉर्टर, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पॉज हमारा शॉर्टर है, साइलेंस हमारा लॉन्गर है, पॉज हमारा वर्बल है, साइलेंस हमारा नॉन वर्बल है, और पॉज हमें अलाउ करता है लिसनर को फीडबैक देने के लिए, वाइल साइलेंस जो है वो डज नॉट। ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम 4 ऑप्शन में से 4th ऑप्शन है, ए पॉज अलाउज द लिसनर टू गिव फीडबैक वाइल साइलेंस डज नॉट, इसको हम सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मांगते हैं। फिर है, लिसनिंग इज एन आर्ट दैट नीड्स टू बी लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लिसनिंग क्या है, एक कला है, और इसको लर्निंग के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। नीड टू बी लर्न ना, जरूरी है इसको समझने की, जानने की, प्रोसेस ऑफ लर्निंग के माध्यम से। इसमें से सटीक जो है वो जवाब क्या होगा, जो कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नेसेसरी टू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो एक वर्ड है फिल्टरिंग और इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेटिंग, तो इसमें जो आपका 2 वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टरिंग और इंटरप्रेटिंग, इसमें जो ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी जो वो राइट आंसर है। 10 नंबर के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हु सेड इट अबाउट लिसनिंग, आई लाइक टू लिसन, आई हैव लर्नड ए ग्रेट डील फ्रॉम लिसनिंग केयरफुली, मोस्ट पीपल नेवर लिसन। तो इसके जो कहने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिगमंड फ्रॉयड, एंड्रीने रिच, डी बैनो और हेमिंग्वे दिए हुए हैं, और इन चारों में से जो सटीक जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट इज योर हेमिंग्वे जो हमारा जो है वो राइट आंसर है। अब परसेप्टिव लिसनिंग के बारे में कौन सी लाइन यहाँ पे जो है वो सही है, तो इस यहाँ पे है क्या, लिसनर कैन कंसंट्रेट मोर ऑन रिलाइंग वाइल लिसनिंग टू द मैसेज, एफर्ट नीड टू बी कॉग्निटिव, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हर हियरिंग, लिसनर हैव टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द प्रोसेस। अब इसमें जो है ट्रू अबाउट परसेप्टिव लिसनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है एफर्ट नीड टू बी कॉग्निटिव। व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर इंटरनल फैक्टर्स रिलेटेड टू एक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 के जो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है स्टाइल, प्रेजुडिस, लैंग्वेज, एथिक्स, और 13 के जो क्वेश्चंस के जो राइट आंसर है वो है प्रेजुडिस और लैंग्वेज। ऐसे बेसिकली अगर आप कंटेंट में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्री जजमेंट दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, और भी सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स जो एक्टिव लिसनिंग को क्या करते हैं, मीन से रिलेट करते हैं, तो उसमें प्रेजुडिस और उसके बाद लैंग्वेज जो है वो इसके राइट आंसर है। मैं असाइनमेंट 3 के क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं, 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 13 क्वेश्चंस गिवन हैं, उसमें से मैंने 13 के 13 जो है आपको आंसर्स इसके जो है बताए हैं। मैं बार बार कहूँगा, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए, आप भी इसको पढ़ के और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे, बट एक प्रयास है मेरा आपको असाइनमेंट में असिस्ट करने का। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द क्वेश्चंस विच इज गिवन मेंशन हियर और व्हाटएवर द आंसर जो मैंने दिया है, वो जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो।